और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के चौंकाने वाले दावों का खंडन किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि सीबीआई के अधिकारी 14 दिसंबर को उनके आवास और कार्यालय पर आए थे और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए जबरन उनका डेस्कटॉप ले गए ताकि चार्जशीट में अतिरिक्त नाम जोड़े जा सके। वहीं सीबीआई ने आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो केवल कानून के पत्र के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भवतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवतोष, तो मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए थे सीबीआई पर, तो उन आरोपों का अब जवाब सीबीआई ने भी दिया है। सीबीआई ने कहा है कि वो सभी आरोप गलत हैं, वो तो कानून के अनुसार ही सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला पिछले शनिवार से शुरू हुआ जब एक सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय में जाके इनके इनके दफ्तर में जाके एक इनके लैब इनके कंप्यूटर को और इनके हार्ड ड्राइव को सीज किया था। तब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इनके यहाँ पे रेड्स और सर्चेज हो रही है और इसको एकदम एक ढंग से सीबीआई ने नकारा था और ये कहा था कि कोई भी इनके ऊपर रेड्स और सर्चेज नहीं हो रही है। तब सीबीआई ने कहा था कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 91 के अंदर पावर होती है कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और उन्होंने ये बोला था कि उसी के अंदर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर उन्होंने सीज किया। कल शाम मनीष सिसोदिया ने एक लेटर जारी किया था जिसमें ये कहा था कि जो कंप्यूटर उन्होंने सीज किया है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इनके इनका नाम जो अगली एक्साइज पॉलिसी की चार्जशीट होगी उसमें जबरन नाम डाला जाएगा। इसको सीबीआई ने एक ढंग से कहा जाए तो एक स्टेटमेंट इशू करके ये कहा है कि सीबीआई कभी इस तरह की हरकत नहीं करती, जो भी कार्रवाई करती है वो कानून के दायरे में करती है, और उन्होंने एक ढंग से फिर से खंडन किया है। लेकिन जब से एक्साइज पॉलिसी का केस हुआ है, आबकारी का केस हुआ है, कई बार मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है, एक ढंग से कहा जाए तो वॉर ऑफ वर्ड्स हुई है, और सीबीआई ने फिर से मनीष सिसोदिया ने जो जवाब दिया है उसका खंडन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भवतोष इस तमाम जानकारी के लिए।